नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। दोस्तों, ये बजाज कंपनी का इंडक्शन चूल्हा है, तो दोस्तों ये ख़राब हो गया है, तो दोस्तों इसी को आज रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इसको बोर्ड में लगाकर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सीरीज बोर्ड है, इसमें इंडक्शन को लगा दिया है। इसमें दोस्तों हल्की हल्की जो एलिमेंट है वो जल रहा है, पर दोस्तों अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, उसके बाद में इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों नंबर बाय नंबर इसके सारे पेंच खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पेंच खुल गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसका ढक्कन हटा दिया है। इसमें देखिए दोस्तों, कितनी भी मिट्टी भरी हुई है। इसमें दोस्तों ये फैन लगा हुआ है जो कि मिट्टी को अंदर की तरफ खींच लेता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों ब्रश की मदद से इसको साफ कर लेते हैं इस तरह दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ब्लोअर से साफ करेंगे, जिससे कि इसमें जो भी मिट्टी अंदर भर गई है वो सारी मिट्टी साफ हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरा इंडक्शन साफ हो गया है। तो चलिए दोस्तों, ये प्लेट है, सप्लाई प्लेट, उसके दोस्तों पेंच निकाल लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी IGBT जो MOSFET लगा हुआ होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी हीट सीट हटाकर इसका दोस्तों IGBT जो MOSFET होता है वो बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों एक इसकी जो रेजिस्टेंस है जो पैनल के लिए वोल्टेज पहुंचाती है दोस्तों, वो ख़राब मालूम पड़ रही है। देखिए दोस्तों, डिजिटल मीटर से नंबर नहीं चले भी ख़राब है, तो इसको भी दोस्तों चेंज कर देते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस पैनल के लिए है। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, ये नहीं चल रही है। देखिए दोस्तों, ये नहीं चल रही है, तो इसकी जगह पर दोस्तों दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस के बदले, ये देखिए दोस्तों पुरानी रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस के बदले दोस्तों ये रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये दोस्तों 22 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस है। तो चलिए दोस्तों, रेजिस्टेंस को बोर्ड में लगा लेते हैं, उसके बाद में इसको बिजली बोर्ड में लगा कर इसको फिर से चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस को बोर्ड में लगा दिया है, अब इसको सोल्ड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, काजिया की मदद से इसको सोल्ड कर दिया है। देखिए दोस्तों, दोनों पिन हमारी सोल्ड हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए, बोर्ड में प्लग को लगा लेते हैं। तो दोस्तों बोर्ड बिजली में लगा दिया है, अब दोस्तों इसमें प्लग लगाते हैं। देखिए दोस्तों, इंडक्शन में लाइट आ गई है, ये देखिए दोस्तों ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो गया है, अब इसको सबसे पहले कस लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों इसको चेक करेंगे। इसका दोस्तों पैनल जलने लगा है, लेकिन अभी इसमें IGBT जो MOSFET होता है वो नहीं लगाया है, वो दोस्तों लगा करके इसको सबसे पहले कस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका IGBT MOSFET है। तो चलिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, चेक कर लिया है। तो दोस्तों इसको फिट कर लेते हैं, उसके बाद हीट सीट है उसको भी कस लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो दोस्तों इसको कस लेते हैं। तो दोस्तों इसको कस लिया है, इसको सोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सोल्ड कर लिया है, अब दोस्तों इसको
फिट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों इसको फिर से चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों इसका सेंसर है, यही हमारा लोहे के बर्तन को कैच करता है। देखिए दोस्तों इसको कस लिया है, अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ऑन हो गया है। अब इसको दोस्तों देखिए दोस्तों इसको ऑन कर दिया है। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब दोस्तों इसके ऊपर एक लोहे की पत्ती रखते हैं। देखिए दोस्तों ये काम करने लगा है, लोड लेने लगा है। ये दोस्तों सीरीज में लगा है इसलिए इसका बल्ब है वो बंद चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा ये बिल्कुल काम करने लगा है। तो दोस्तों इस तरह से इंडक्शन ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।